अक्टूबर को कोरोना में 876 मरीज मिले पॉजिटिव, तो वहीं 22 की हुई मौत, 1821 हुए डिस्चार्ज, तो संक्रमितों की संख्या पहुंची 80,000 के पार। ग्रीन विजल फाउंडेशन के पानी गुणवत्ता परीक्षण में हुआ खुलासा। कुटाला गांधी सागर का ऑक्सीजन स्तर पहले से बेहतर, तो वहीं सक्करधारा तालाब को बचाने की हुई जरूरत। बाला बिनेकर हत्याकांड मामले में पुलिस अब तक नहीं उगलवा पाई मास्टरमाइंड का नाम। कोरोना महामारी के बीच शहर में नवरात्रि और दीपावली त्योहार को लेकर शहर के सराफा बाजार में ग्राहकी बढ़ी, तो वहीं नवरात्रि में गुलजार होगा सराफा बाजार। नागपुरी संतरा लेकर बांग्लादेश जाएगी किसान रेल, 19 अक्टूबर को वरूड से चलेगी। तो वहीं कोरोना संकट में परेशान करने वाली दो खबरें, एक तरफ आशा वर्कर और गट प्रवर्तक आक्रोशित, तो वहीं दूसरी तरफ निजी अस्पताल बैकफुट पर, कल से आशा वर्करों का आंदोलन। बिल कलेक्शन सेंटर वालों को 4 महीने से नहीं मिल रहा है कमीशन, महावितरण की आर्थिक स्थिति हुई खराब, शहर में है 45 कलेक्शन सेंटर। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने कोरोना रोगियों के इलाज व हेल्थ सिस्टम मजबूत करने के लिए केंद्र से मांगे 500 करोड़ रुपए की मदद, कहा कोरोना रोगियों की संख्या व मृत्यु दर दोनों ही बढ़ना गंभीर। कृषि कानून पर अमल करने हाईकोर्ट में याचिका दायर, राज्य सरकार पर व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप, मंगलवार को होगी सुनवाई। जिला परिषद ने प्रतिपक्ष का आरोप, सभापति व पदाधिकारी गंभीर नहीं, पोषण आहार में भ्रष्टाचार से जिले में बढ़ रहा है कुपोषण, 2019 जून में कुपोषितों की संख्या थी 848।